हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी गाइडेंस में। तो पिछले वीडियो में बात करी थी कि ऑक्सिन की खोज किस प्रकार हुई थी और उसका जैव अमापन किस प्रकार किया जाता है और ऑक्सिन के क्या क्या प्रकार थे और उसका जैव संश्लेषण किस प्रकार से होता है और पौधों पर उसके क्या क्या कार्यकारी प्रभाव होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख लेना। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जिब्रेलिन हार्मोन क्या होता है, इसकी खोज किस प्रकार हुई और उसका जैव अमापन किस प्रकार से किया जाता है और इसके पौधों पर क्या क्या कार्यकारी प्रभाव होते हैं। इन सभी टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि खोज किस प्रकार हुई। तो जिब्रेलिन की खोज जापान में हुई थी जो चावल के एक रोग से संबंधित है। 1890 में एक जापानी कृषक ने खेत में चावल के नवोद्भिद असामान्य रूप से लंबे तथा पतले हो जाते हैं यह घटना देखी। इन पौधों की लंबाई सामान्य पौधों से लगभग 2 गुना अधिक हो जाते हैं तथा इनमें पुष्पन की क्रिया भी नहीं होती है। उन्होंने इस रोग को बेकने रोग कहा तथा इन नवोद्भिद को उन्होंने मूर्ख नवोद्भिद कहा क्योंकि ये रोग ग्रस्त पादप फल व बीज उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो नवोद्भिद हैं ये फल और बीज उत्पन्न करने में असमर्थ हैं, इसलिए उन्होंने इन्होंने इसे क्या कहा, मूर्ख नवोद्भिद कहा था। यह रोग एक कवक जिब्रेला फ्यूजिकुराई के संक्रमण से होता है। यह जो है बाद में स्पष्ट किया गया है कि यह किसके संक्रमण से होता है, जिब्रेला फ्यूजिकुराई नामक कवक के संक्रमण से। तो इसकी खोज किस प्रकार हुई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यह किस रोग से संबंधित है, तो यह चावल के एक रोग से संबंधित है और इसकी खोज जापान में हुई। जापानी कृषक ने जो खेत था वहाँ पर जो चावल के जो नवोद्भिद थे वो क्या होते हैं, असामान्य रूप से लंबे और पतले हो जाते हैं और इनमें क्या होता है, पुष्पन और बीजों का जो होता है अभाव होता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, मूर्ख नवोद्भिद कहते हैं और इस रोग को हम क्या कहते हैं, बेकने रोग कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो स्वाडा कुरुसोवा नामक वैज्ञानिक है उन्होंने 1912 में प्रयोगों द्वारा स्पष्ट किया है कि यह रोग जो होता है कवक के स्त्राव के कारण होता है। कवक कौन सी है, जिब्रेला फ्यूजिकुराई के स्त्राव के कारण यह रोग जो होता है यानी कि बेकने रोग होता है। ठीक है, याबुता तथा हयाशी नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कवक के स्त्राव का क्रिस्टलीकरण करके उसे जिब्रेलिन नाम दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है उसका वितरण एवं स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। तो जिब्रेलिन पादप के सभी भागों में बनता है लेकिन इसकी सर्वाधिक सांद्रता बीजों तथा पत्तियों में पाई जाती है। इसका स्थानांतरण जो होता है अध्रुवीय होता है, जबकि जो हमारा ऑक्सिन था उसका स्थानांतरण किस प्रकार का होता है, उसका स्थानांतरण ध्रुवीय होता है। ठीक है, अब जो हमारा जिब्रेलिन होता है उसका स्थानांतरण जो है जाइलम व फ्लोएम में तलाभिसारी व अग्राभिसारी क्रम में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा जिब्रेलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है। तो देखते हैं हम यह क्या कहना चाह रहा है, तो रासायनिक दृष्टि से यह क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। यह चक्रीय डाइटरपीन्स होते हैं। सभी की जो संरचना होती है एक समान होती है और इसमें एक गिब्बेन वलय पाई जाती है। यह वलय जो होती है 19 कार्बन परमाणु से बनी होती है जिसके 7 कार्बन संख्या 7 जो होती है, ठीक है, उस पर कार्बोक्सिलिक समूह जो होता है जुड़ा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कुछ अतिरिक्त समूह भी होते हैं जो C4 से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो कार्बन संख्या जो 4 होती है उससे जुड़े होते हैं। और यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि ये गिब्बेन वाले किस प्रकार से दिखाई देती है। अब हम देखते हैं कि जिब्रेलिन का जैव संश्लेषण किस प्रकार होता है। तो पौधों के अंदर जिब्रेलिन जो है वह एसिटाइल कोएंजाइम ए से संश्लेषित होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए मेलवेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और मेलवेनिक एसिड मेलवेनेट 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद मेलवेनेट 5 फॉस्फेट जो होता है वह मेलवोनेट 5 पाइरोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है जो जिरनाइल पाइरोफॉस्फेट का निर्माण करता है। जिरनाइल पाइरोफॉस्फेट जो है कोपापाइल पाइरोफॉस्फेट से बनाता है और कोपापाइल पाइरोफॉस्फेट से बनता है हमारा काइरुइन। ठीक है, और काइरुइन के बनने के बाद काइरुनिक एसिड का निर्माण होता है जिससे लास्ट में हमारे जिब्रेलिन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जिब्रेलिन का जैव संश्लेषण होता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जिब्रेलिन का जैव अमापन यानी कि बायो एसे किस प्रकार से किया जाता है। तो आपको मैंने पिछले वाली वीडियो में बता रखा है कि जैव अमापन क्या होता है, कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पादप हार्मोन होते हैं वह जो होते हैं बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, तो इनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, इनका जो है पौधों पर प्रयोग करते हैं और उनसे जो लक्षण दिखाई देते हैं उनको देखते हैं। तो इन्हीं प्रयोगों को हम क्या कहते हैं, जैव अमापन कहते हैं। ठीक है, तो इसके जैव अमापन करने के लिए, जिब्रेलिन के जैव अमापन करने के लिए 2 प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। पहला है हमारा बोना नवोद्भिद परीक्षण। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या किया जाता है, तो मक्का तथा मटर के कुछ प्रभेद जो होते हैं सामान्य प्रभेद की तुलना में लंबाई में बोने रह जाते हैं। इन प्रभेद में जिब्रेलिन का संश्लेषण जो होता है करने वाले जीनों में उत्पीड़न के कारण क्या होते हैं, ये पौधे बोने रह जाते हैं। मतलब इनमें क्या होता है कि जो जिब्रेलिन का संश्लेषण करने वाले जो जीन थे
वही जो होते हैं उत्पीड़न के कारण जो होते हैं वह उनमें विकृतता आ जाती है, जिससे क्या होता है कि वही जीनों की जो कार्य क्षमता होती है नष्ट हो जाती है, और इसके कारण ही क्या रहता है कि यह पौधे जो होते हैं बौने रह जाते हैं। अब इस परीक्षण के लिए सर्वप्रथम मक्का के बीजों को भिगो कर उगाया जाता है। 3 से 4 सेंटीमीटर लंबाई के बाद नवोद्भिद की प्रथम पन्न पर जिब्रेलिन का घोल लगाते हैं, जिससे बौने पौधों की लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसका परीक्षण करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बायो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे मक्का के बीज होते हैं उनको भिगो कर हम उगा लेंगे, और 3-4 सेंटीमीटर की लंबाई के नवोद्भिद पर हम क्या करेंगे कि प्रथम पन्न पर जिब्रेलिन का घोल लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जिब्रेलिन के कार्य के प्रभाव में सबसे मेन जो इसका इफेक्ट होता है वो यही होता है कि यह जो पादप की लंबाई होती है उसको तो होता है असामान्य रूप से बढ़ा देता है, उनमें फल और पुष्पन जो होता है वह जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे जिब्रेलिन का छिड़काव करने के बाद जो हमारे मक्का का जो नवोद्भिद होगा वो क्या होगा, लंबाई में तीव्र रूप से वृद्धि करता है। दूसरा हमारा परीक्षण आता है वो होता है हमारा जो जो भ्रूणपोष परीक्षण। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो भ्रूणपोष परीक्षण में क्या किया जाता है। तो जो के भ्रूण रहित बीजों को जिब्रेलिन घोल के, ठीक है, तो जो के जो भ्रूण रहित बीज होते हैं उनको हम क्या करते हैं, जिब्रेलिन के घोल में 24 घंटे के लिए भिगो कर रख लेते हैं। ठीक है, अब जिब्रेलिन क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम की सक्रियता को उत्प्रेरित करता है। बीजों में उपस्थित स्टार्च का एमाइलेज एंजाइम की क्रिया द्वारा शुगर में विघटन हो जाता है, तथा शुगर बाहरी विलयन में आ जाती है, जो विलयन में जिब्रेलिन की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो इसके परीक्षण में हमने क्या किया कि जो के भ्रूण रहित बीज थे उनको जिब्रेलिन के घोल में 24 घंटे के लिए रखा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा जिब्रेलिन होता है वो क्या करता है, एमाइलेज एंजाइम जो क्या करता है, हमारे स्टार्च को सुक्रोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यानी कि स्टार्च को जो होता है हमारे शुगर के अंदर कन्वर्ट करता है। तो इसके क्रिया के कारण क्या होगा कि एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को हमारे माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा, यानी कि शुगर के अंदर विघटित कर देगा, जिससे क्या होगा, जो हमारा शुगर होगा वही क्या होगी, बनने लग जाएगी और बाहरी विलयन में आ जाएगी, और इससे जो होगा बाहरी विलयन में जो हमारी शुगर है उसकी उपस्थिति ही हमें जिब्रेलिन हार्मोन की उपस्थिति दर्शाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जिब्रेलिन हार्मोन के पौधों पर क्या क्या कार्य के इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी कार्य के प्रभावों को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारा परोदीघन, ठीक है, इंटरनोड इलोंगेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें बोल्टीकरण की क्रिया क्या होती है यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह क्या कहना चाह रहा है, तो जिब्रेलिन पौधों में परोदीघन अथवा स्तंभ की लंबाई को प्रेरित करता है। यह प्रभाव उन पादपों में अधिक होता है जो आनुवंशिक रूप से बोने होते हैं। कुछ ऐसे ही द्विवर्षीय पादप जो प्रथम वर्ष में रोजेट स्वभाव प्रदर्शित करते हैं उनमें भी जिब्रेलिन द्वारा दीर्घन होता है। ठीक है, तो रोजेट स्वभाव का मतलब क्या हुआ कि यह जो होते हैं प्रथम वर्ष में इनकी वृद्धि ज़्यादा नहीं हो पाती है। अब जनन प्रावस्था से पूर्व इनके पर्व का अत्यधिक दीर्घन होता है परंतु पत्तियों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो इस दीर्घित पर्ण रहित जो पर्व होता है यानी कि इंटरनोड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बोल्ट कहते हैं, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, बोल्टीकरण कहते हैं। ठीक है, तो बोल्टीकरण क्या होता है कि जनन प्रावस्था से पूर्व जो हमारे द्विवर्षीय पादप हैं, ठीक है, जो प्रथम वर्ष में रोजेट स्वभाव प्रदर्शित कर रहे हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो पर्व होते हैं उनका अत्यधिक दीर्घन यानी कि वो अत्यधिक लंबे हो जाते हैं, परंतु जिनमें क्या होता है, पत्तियों का निर्माण नहीं होता है, इसलिए जो हमारे ये दीर्घित यानी कि जो लंबे पर्ण रहित यानी कि जो पत्ती रहित जो ये पर्व यानी कि जो हमारे इंटरनोड होते हैं उन्हीं को हम बोल्ट कहते हैं, और यही जो क्रिया होती है लंबाई बढ़ने की उसको हम क्या कहते हैं, बोल्टीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी प्रथम वर्ष में रोजेट अवस्था दर्शा रखी है द्विवर्षीय पौधों की, और जिब्रेलिन के छिड़काव के बाद क्या हो गया कि इसके जो पर्व हैं वो, ठीक है, पर्ण रहित होकर लंबे हो गए हैं। ठीक है, और इसे ही हमको हम क्या कहते हैं, बोल्ट कहते हैं, और यही क्रिया क्या कहलाती है, बोल्टीकरण कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा इसका कार्य के प्रभाव आता है वो आता है हमारा बीज अंकुरण यानी कि सीड जर्मिनेशन। तो धानीय फसलों जैसे कि जो धान होते हैं जैसे गेहूं जो आदि के बीजों के अंकुरण में जिब्रेलिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन बीजों के भ्रूणपोष में स्टार्च से प्रोटीन का संग्रहण होता है तथा यह एल्यूरोन परत द्वारा परिबद्ध रहते हैं। ठीक है, अब एल्यूरोन परत विभिन्न जल अपघटनकारी एंजाइम का स्रोत होता है। जिब्रेलिन के उद्दीपन द्वारा एल्यूरोन परत से अल्फा एमाइलेज बीटा एमाइलेज प्रोटीएज राइबोन्यूक्लिएज आदि का संश्लेषण होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यह एंजाइम भ्रूणपोष में संचित स्टार्च तथा अन्य पदार्थों का बीजांकुरण के समय अपघटन करता है। ठीक है, तो बीजांकुरण के किस प्रकार से यह सहायता करता है, तो जो हमारे धानी फसल होते हैं जैसे गेहूं जो, तो इनमें क्या होता है, जिब्रेलिन जो है इनके बीजों के अंदर जो स्टार्च प्रोटीन आदि का जो संग्रहण होता है। ठीक है, तो यह क्या करता है कि जो हमारे एल्यूरिन परत होती है उसमें विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो एल्यूरिन परत से क्या करता है, ये उद्दीपन करता है जिससे विभिन्न एंजाइम जो होते हैं जैसे कि अल्फा बीटा एमाइलेज तथा प्रोटीएज राइबोन्यूक्लिएज ये क्या होते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं, और भ्रूणपोष में जो संचित हमारा स्टार्च होता है वह अन्य पदार्थ जो होते हैं उनको क्या करते हैं, बीजांकुरण के समय अपघटन करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि बीजांकुरण के समय इन पदार्थों का अपघटन आवश्यक क्यों होता है, तो जो विकसित भ्रूण होता है, ठीक है, तो उसको पोषण देने के लिए हमें क्या करना होता है, जो आवश्यक हमारे संचित भोज्य पदार्थ हैं उनका अपघटन करके उन्हें अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलना होता है ताकि
जो वृद्धि करता हुआ भ्रूण होता है उसे यह पोषक पदार्थ मिल सकें और वो तीव्र गति से वृद्धि कर सकें, और तभी हमारा बीज अंकुरण जो होगा वो तीव्र गति से होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इसका कार्यकी इफेक्ट आता है वो आता है हमारा प्रसुप्तावस्था को भंग करना, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ डोरमेसी। तो इसमें क्या होता है कि शीतोष्ण क्षेत्र के सदाबहार पादपों तथा पर्णपाती वृक्षों की कलिकाएं ग्रीष्म ऋतु में प्रसुप्त हो जाते हैं। जिब्रेलिन से उपचारित करके इनकी प्रसुप्ता को भंग किया जा सकता है। जिब्रेलिन की उच्च सांद्रता जो होती है वह एब्सिसिक एसिड के प्रभाव को समाप्त कर देती है। तो ब्रेकिंग और डोरमेसी में यह जिब्रेलिन किस प्रकार से सहायता करता है, तो जो हमारे शीतोष्ण क्षेत्र के जो सदाबहार पादप होते हैं, ठीक है, तथा जो पर्णपाती जो वृक्ष होते हैं उनकी कलिकाएँ जो होती है ग्रीष्म ऋतु के अंदर प्रसुप्त हो जाती है। ठीक है, तो जो शीतोष्ण क्षेत्र के पादप होते हैं उनकी जो कलिकाएं होती है वो क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर प्रसुप्त हो जाती है, मतलब कि निष्क्रिय हो जाती है। तो जिब्रेलिन से उपचारित करके इनकी प्रसुप्ता अवस्था जो होती है यानी कि डोरमेसी जो होती है इसको भंग किया जा सकता है। और जिब्रेलिन की उच्च सांद्रता जो होती है एब्सिसिक एसिड जो कि प्रसुप्ता अवस्था को प्रेरित करता है उसके प्रभाव को नष्ट कर देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका कार्यकीय इफेक्ट आता है वो आता है हमारा अनिषेक फलन। तो यह किस प्रकार से अनिषेक फलन में योगदान देता है, तो ऑक्सीजन की तुलना में जिब्रेलिन जो होता है अनिषेक फलन को प्रेरित करने में कई गुना अधिक जो होता है प्रभावशाली है। जिब्रेलिन जो होते हैं रोजेसी कुल के पादपों के पोम फल एप्पल नाशपति में अनिषेक फलन को प्रेरित करने में सक्षम होता है। जिब्रेलिन के अनुप्रयोग से बैंगन टमाटर अमरूद अंगूर आदि के पादपों में अनिषेक फल प्राप्त किए गए हैं। तो जो अनिषेक फल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं कि इन फलों के अंदर जो निषेचन होता है वह क्रिया नहीं होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इन फलों के अंदर बीज का निर्माण नहीं होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो अंगूर की जो किस कुछ किस्म होती है उसके अंदर बीज भी नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार से क्या होता है कि अनिषेक फल प्राप्त करके उनके अंदर बीजों को कम किया जाता है, जिससे वह क्या होते हैं आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण पौधे जो होते हैं और फल माने जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका नेक्स्ट कार्यकीय इफेक्ट क्या होता है। तो इसका नेक्स्ट कार्यकीय इफेक्ट होता है हमारे जीर्णता को कम करना। तो यह जीर्णता को क्या करता है, रोक देता है। तो जिब्रेलिन के अनुप्रयोग से पर्ण की जीर्णता को रोका जा सकता है। पत्तियों में जीर्णता के समय आंतरिक जिब्रेलिन की मात्रा अत्यधिक कम हो जाती है, और जिब्रेलिन के बाह्य अनुप्रयोग से उत्कों में सांद्रता बढ़ने पर जीर्णता जो होती है वह स्थगित हो जाती है। मतलब जो हमारा जिब्रेलिन होता है वो क्या करता है कि पत्तियों के अंदर जो जीर्णता की क्रिया होती है उसको रोक देता है, और इससे पत्तियाँ जो होती है वो टूट के ज़मीन पर नहीं गिरती है, और जिब्रेलिन की अत्यधिक मात्रा कम हो जाने पर ही जो जीर्णता की क्रिया है वह होती है। इसलिए हम जिब्रेलिन के अनुप्रयोग से यानी कि जिब्रेलिन के छिड़काव करके क्या कर सकते हैं कि जीर्णता को हम स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, तो यह था हमारे जिब्रेलिन के कार्यकीय प्रभाव। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप ये जो हमने PDF बताई है इसको पेज करके या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके इसके जो नोट्स हैं वह आप अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।